नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं राजभवन के सामने में दोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के अंदर, और यहां पर पहली बार अरुणाचल प्रदेश में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ है। वह है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, जिसे ऑर्गेनाइज किया है टेबल टेनिस अरुणाचल द्वारा, और यहाँ पर इंडिया को मिलाकर करीब 6 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया है उन्होंने, उसके बाद यहाँ पर जो साउथ एशियन गेम है उनका शोभा बढ़ाया है। चले आज अब जाके उनसे जानते हैं, जो भी प्लेयर्स लोग हैं, जितने भी विनर्स रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका क्या कहना है हमारे अरुणाचल के बारे में और इस साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बारे में। I'd like to request His Excellency Honorable Governor of Arunachal. Thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you all well and God bless. Jai Arunachal, Jai Hind. पहली बार अरुणाचल आए हैं, कैसा लगा सर? अरुणाचल फर्स्ट टाइम आया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमको तो बहुत अच्छा लगा, घूमने का टाइम नहीं मिला, खेल का इतना चाप था इसलिए घूमने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जो सीनरी जो है आसपास का तो थोड़ा इधर उधर देखा है तो अच्छा लगा बहुत, वेदर भी अच्छा है इसका। और सर यहाँ पे जो खेल हुआ है साउथ एशियन यूथ जो हुआ है, तो ये किस तरह से यहाँ का आयोजन कैसा था? आयोजन बहुत बढ़िया था, क्योंकि इसका पहले भी हम किया है, मालदीव भी किया है, लेकिन यह का जो छोटा हॉल थोड़ा छोटा है, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, वेरी गुड। यू केम अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट टाइम, राइट? यस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। हाउ डू यू फील अबाउट अरुणाचल प्रदेश? आई लाइक इट वेरी मच। ओके, हाउ इज द गेम्स? द गेम्स हैव बीन गुड, आई प्लेड इन 4 इवेंट्स एंड वी मैनेज्ड टू सिक्योर अ फ्यू मेडल्स। ओके, यू वॉन सिल्वर? या, वी वॉन silver and mixed doubles. Okay, you came to India first time or what? No, I've come here before multiple times. दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है अभी इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट अंडर 19 में, तो उनका नाम है अंकुर भट्टाचार्य जी, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा अरुणाचल प्रदेश आके? मेरा पहला टाइम अरुणाचल प्रदेश में आया, तो इधर आके इंडिया पे खेल के इंडिया में चैंपियन हुआ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरा मम्मी पापा भी है इधर, उसका सामने चैंपियन, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए अरुणाचल प्रदेश, और ये साउथ एशियन गेम भी अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम हुआ है, यहाँ का कैसा लगा? जो आप लोग का व्यवस्था था अरुणाचल प्रदेश की तरफ से कैसा रहा था? पहले तो इंडिया में हो रहा है ये बहुत अच्छा है, और सब कंट्री में खेला हूँ, उधर एसी रहता है, इधर एसी नहीं, इधर का वेदर ही इतना अच्छा है, एसी का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इधर होटल बहुत अच्छा है, स्टेडियम भी बहुत अच्छा है, और वेदर तो बहुत ही अच्छा है, तो खेल के बहुत अच्छा लग रहा है इधर। कैसा रहा आप लोगों का सफ़र, और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करने के? ऐसे तो हमको कोई प्रकार का तकलीफ नहीं मिला है, क्योंकि जब से ऑर्गेनाइज किया है तब से गवर्नमेंट का साथ में था। सीएम वाज़ अ पार्ट ऑफ अस, देन सीएस वाज़ पार्ट ऑफ अस, देन हम लोग एवरी डे किरण रिजिजू का साथ में कम्युनिकेशन करके बैठा है, और बोलो का धोरण से हम लोग ये इंटरनेशनल जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस को आराम से हुआ, और खास करके गवर्नमेंट को मेरा ये मेरा साइड से ये थैंक्स है, क्योंकि अभी एयरवेज का वजह से, रोडवेज का वजह से हम लोग का जो टूर्नामेंट जो इतना एक्सीलेंट हुआ, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था।
आगे। सर, साउथ एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है, तो वो दो नहीं आए? नहीं, इसमें पाकिस्तान को हम लोग ने वीजा दिया था। अगर वीजा नहीं देने से, क्योंकि ये कंट्री कंट्री में कंप्लेनबाजी होगा बोल के पाकिस्तान का वीजा क्लियर किया था, लेकिन टेक्निकली कुछ इशू का वजह से पाकिस्तान नहीं आया। तो पाकिस्तान नहीं आने का वजह से हम लोग का यहाँ में 6 कंट्री जो पार्टिसिपेट किया। सर, आप लोगों ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद जैसे कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कंप्लेंट्स आते हैं सर अरुणाचल प्रदेश में ना, गेम्स का जो स्टेडियम नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इस बारे में आप लोगों ने कभी अपील की? अपील तो पहले कई बार किया है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट जो आग खुला हुआ है और ये खास करके किरण रिजिजू बार बार फोकस दिया है, और अभी जो गवर्नर का आँख खुला हुआ है, गवर्नर तो बार बार ये बोला है कि तिथि को बहुत आगे बढ़ाएगा बोला है, और हमारा ये अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर तो पॉजिटिव है, उसने तो बोला है कि यहाँ में कोई भी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, कोई भी कंट्री को का डेलीगेट जो है कमी ये तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट जितना गवर्नमेंट मशीनरी को यहाँ हम लोग का साथ में लगा दिया, तो गवर्नमेंट मशीनरी की वजह से हम लोग आज का तारीख में सक्सेस हुआ है।